दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश यानी कि UPPSC में टीचर के लगभग 10,000 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है, जिनके आवेदन पत्र हैं जो शुरू हैं, ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। जानकारी शुरू करें उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें नई नई जानकारियों से। तो जॉब न्यूज़ देखिए क्या है आपके लिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPPSC ने LT ग्रेड टीचर पदों के लिए LT ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2018 के माध्यम से भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पद के लिए योग्य उम्मीदवार 16 अप्रैल 2018 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकता है। अधिसूचना का विवरण देखिए। विज्ञापन संख्या है जो A1/E/2018। महत्वपूर्ण दिनांक तिथि, पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि है जो 15 मार्च 2018 है। शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है 12 मार्च 2018 है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 सॉरी शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है वो 12 अप्रैल 2018 है और आवेदन की अंतिम तिथि है वो 16 अप्रैल 2018 है। रिक्त पद हैं LT ग्रेड टीचर के 10,768 पद हैं और महिला टीचर के 5,404 पद हैं। और विषय का विवरण देखिए। क्रम संख्या, विषय का नाम और रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार है। हिंदी में 737 पद हैं, अंग्रेजी में 675, गणित में 474, विज्ञान में 474, सामाजिक विज्ञान में 928, कंप्यूटर में 775, उर्दू में 62, जीव विज्ञान में 259, संस्कृत में 242, कला में 278, संगीत में 60, वाणिज्य में 3, शारीरिक शिक्षा में 168, गृह विज्ञान में 265 और योग है जो 5,404 पुरुष टीचर हैं। ये सॉरी 5,404 ये जो हैं महिला टीचर हैं और पुरुष टीचर हैं वो 5,364 हैं। विषय का नाम देखिए। हिंदी में 696, अंग्रेजी में 645, गणित में 561, विज्ञान में 571, सामाजिक विज्ञान में 926, कंप्यूटर के 898, उर्दू के 71, जीव विज्ञान के 336, संस्कृत के 274, कला के 192, संगीत के 8, वाणिज्य के 26, शारीरिक शिक्षा 140, गृह विज्ञान 1 और कृषि के 19 पद हैं। कुल 5,364 पद हैं ये। पात्रता एवं मानदंड क्या है देखिए। शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता और अनुभव, LT ग्रेड टीचर स्नातक के साथ आवश्यक BEd डिग्री और कंप्यूटर साइंस टीचर पद के लिए BE/BTech या कंप्यूटर साइंस या BCA या NIEEE/IIT या समकक्ष योग्यता। क्रम संख्या 1 पर सहायक अध्यापक पुरुष महिला के लिए हिंदी के लिए जो योग्यता है वो इस प्रकार है। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा। नंबर 2, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। इस प्रकार अंग्रेजी के लिए है ये, गणित के लिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर के लिए BE/BTech, उर्दू के लिए और सहायक अध्यापक जीव विज्ञान के लिए, संस्कृत के लिए, कला, संगीत, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षक, BPED और BPE, गृह विज्ञान। इस प्रकार ये है जो भर्ती है। आयु सीमा है जो इसकी न्यूनतम 21 और अधिकतम है जो 40 साल है और वेतनमान ₹44,900 से ₹1,42,400। चयन की प्रक्रिया
प्रक्रिया क्या है उम्मीदवार के चयन के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2018 आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 15 मार्च 2018 से शुरू हो गए हैं और आवेदन जो जमा कराने की अंतिम तिथि है वो 16 अप्रैल 2018 है। अधिक जानकारी के लिए आप विभागीय वेबसाइट को विजिट करना न भूलें। इसकी विभागीय वेबसाइट है वो है upsc.up.nic.in। ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क संपूर्ण जानकारी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात ही जो है आवेदन करें इस चित्र पढ़ने के बाद में। और रिक्तियों के विवरण आपको मैंने पहले ही बता दिया है। कुल संख्या 10,468 है जिसमें पुरुष शाखा के लिए 5,364 और महिला के लिए 5,404 पद हैं। आयु सीमा के बारे में मैंने बता दिया, ऑनलाइन आवेदन के बारे में बता दिया आपको पहले ही। तो ये थी शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज़। न्यूज़ आपको कैसी लगी कॉमेंट अवश्य करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई न्यूज़ पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करना न भूलें।